हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलोक। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो नेट दिसंबर 2014 के थर्ड पेपर को डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं इस सीरीज के पहले क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमसे ये पूछा गया है कि किसने निजात केंद्रीयता की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। ठीक है, निजात केंद्रीयता यानी इसको इंग्लिश में कहेंगे फ्रेंड्स एथनोसेंट्रिज्म। ठीक है, एथनोसेंट्रिज्म का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो किसने दिया था, ये हमें बताना है। तो आइए फ्रेंड्स, आप पहले गेस करिए कि किसने दिया था। तो फ्रेंड्स, ये जो एथनोसेंट्रिज्म का जो कॉन्सेप्ट था ये दिया था डब्ल्यू जी समनर ने। किसने दिया था फ्रेंड्स? डब्ल्यू जी समनर महोदय ने एथनोसेंट्रिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, निजात केंद्रीयता को का अर्थ जो होता है उसे ये कहते हैं कि अपनी ही संस्कृति को केंद्र में रखकर, अपनी ही संस्कृति को केंद्र में रखकर उसकी व्याख्या करना। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? निजात केंद्रीयता यानी एथनोसेंट्रिज्म। ठीक है, आई होप आपको ये लर्न हो गया होगा। चलिए अपने अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे एक सूची दी गई है और हमें उसे मैच करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बुक है, ये बुक है और ये इनके राइटर है। ठीक है, तो रामकृष्ण मुखर्जी जी की बुक है सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। रामकृष्ण मुखर्जी जी ने बुक लिखी थी सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। और योगेंद्र सिंह की जो बुक है फ्रेंड्स वो है आइडियोलॉजी एंड थ्योरी इन इंडियन सोशियोलॉजी। ठीक है, और योगेंद्र सिंह की एक और, हाँ तो फ्रेंड्स ये आइडियोलॉजी जो है आइडियोलॉजी एंड थ्योरी इन इंडियन सोशियोलॉजी, ये योगेंद्र सिंह की बुक हो गई। और योगेंद्र सिंह की एक और बहुत ही फेमस बुक है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। तो आप ये भी लर्न करके रखिएगा कि अगर हमसे पूछता है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन बुक किसकी है, तो वो भी योगेंद्र सिंह की बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, तो ये भी आप लर्न करके रखिएगा। और यहाँ पे देखिए डीएन धनागड़े, तो डीएन धनागड़े जी की कौन सी बुक है, तो ये है थीम्स एंड पर्सपेक्टिव इन इंडियन सोशियोलॉजी। ठीक है, थीम्स एंड पर्सपेक्टिव इन इंडियन सोशियोलॉजी, ये डीएन धनागरे जी की बुक हो जाएगी। ठीक है, तो यानी सी का फोर हो जाएगा। और कोहेन जी की जो बुक है वो है एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट एमंग हिस्टोरियन एंड अदर एसेज, तो ये हो जाएगी बीएस कोहेन जी की बुक। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में शिक्षा के निजीकरण के कारण निम्नलिखित विशेषताओं में से क्या उभर कर सामने आया है। ठीक है, भारत में शिक्षा के निजीकरण के कारण, ठीक है, निम्नलिखित विशेषताओं में से क्या उभर कर सामने आया है, तो चलिए देखते हैं ग्राम स्तर पर निजी विद्यालयों का खुलना, तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही है। बाजार अनुसंधान का सामने आना, ये भी है। शैक्षिक संस्थाओं में तेजी से वृद्धि होना, ये भी है। गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति का प्रावधान, फ्रेंड्स ये नहीं है। ठीक है, जो निजीकरण है इसमें ये नहीं है। बाकी ग्राम स्तर पर निजी विद्यालयों का खुलना ये हुआ है, बाजार अनुसंधान का सामने आना ये भी, शैक्षिक संस्थाओं में तेजी से वृद्धि हुई है, तो यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फोर नहीं होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि मिशेल फूको की प्रविधि के मूल में निम्नलिखित में से कौन से विचार रहे हैं, यानी उन्होंने फ्रेंड्स बुक भी लिखी है और इस बुक में अपने विचार दिए हैं। और फ्रेंड्स मिशेल फूको की हर बार जो है बुक्स हमसे कहीं ना कहीं नेट एग्जामिनेशन में जो है पूछी ही जाती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा और लर्न करके इनकी सारी बुकें रख लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है सिक्वेंस हमसे पूछ लेता है और कभी इनकी सारी बुकें पूछ लेता है और उसमें ये दे देता है कि कौन सी बुक फूको की नहीं है। ठीक है, तो अगर हमारा सारा इनका बुकों पे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम आसानी से इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा इनका विचार है और कौन सा नहीं है। ठीक है, अभी 2018 में भी पूछा गया था और 19 में भी आया था फूको से। तो फ्रेंड्स फूको की जितनी भी कृतियां हैं ये आप लर्न करके रखिएगा, आने वाले एग्जामिनेशन में फिर से हमें मिल सकती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स मिशेल फूको की प्रवृत्ति के मूल में निम्नलिखित में से कौन विचार रहे हैं। तो फ्रेंड्स जो पहला है जीनोलॉजी ऑफ पावर। ठीक है, तो जीनोलॉजी ऑफ पावर ये है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरे पे दिया है माइक्रो पॉलिटिक्स ऑफ पावर, तो ये नहीं। ठीक है, माइक्रो पॉलिटिक्स ऑफ पावर पे उन्होंने विचार अपने नहीं दिए हैं। आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, तो फ्रेंड्स ये भी है, जीनोलॉजी ऑफ पावर एंड आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, तो ये दोनों क्या हो गए, ये फूको से रिलेटेड हो गए। लेकिन पावर एट द सोसाइटल लेवल
और माइक्रो पॉलिटिक्स ऑफ पावर, ये दोनों नहीं है। तो इसमें हुआ कौन, यानी पहला जीनोलॉजी ऑफ पावर और तीसरा आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो यानी फर्स्ट और थर्ड इसमें ये मिशेल फूको की प्रवृत्ति के मूल में है, ठीक है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि मार्क्स के चिंतन में संशोधन और पुनर्भिमुखीकरण करके नए सिद्धांत बनाए जाने को क्या कहते हैं, ठीक है। मार्क्स के चिंतन में संशोधन और पुनर्भिमुखीकरण करके नए सिद्धांत बनाए जाने को क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, नव मार्क्सवादी सिद्धांत, यानी नियो मार्क्सिज्म थ्योरी, ठीक है। तो ये नव मार्क्सवादी सिद्धांत कहलाएगा, तो यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अशोधित जन्म दर CBR का नामकरण इस कारणवश हुआ है क्योंकि इसमें ध्यान नहीं दिया जाता है। तो फ्रेंड्स किसका ध्यान नहीं दिया जाता है, तो ये होगा ऑप्शन सी, यानी जनसंख्या की आयु और लिंग संरचना का, ठीक है, जनसंख्या की आयु और लिंग संरचना का इसमें जो है ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमसे बुक पूछी गई है एथनिक प्लूरलिटी इन इंडिया, ठीक है, एथनिक प्लूरलिटी इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके जो राइटर हैं वो हैं R.A. Semarhan जी। कौन है, R.A. Semarhan जी ने बुक लिखी थी एथनिक प्लूरलिटी इन इंडिया नामक, ठीक है। तो ये आपको लर्न करके रखना है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे सूची है और हमें उसे मैच करना है। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि व्यवहारिक तार्किकता किसे कहते हैं, ये हमें बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो व्यवहारिक तार्किकता होती है इसे कहेंगे व्यक्ति के व्यवहारवादी और अहमवादी इरादों के दृष्टिकोण से दुनिया की गतिविधियों को देखना, ठीक है, यानी प्रैक्टिकल रैशनलिटी जो होती है उसमें क्या होता है, व्यक्ति के व्यवहारवादी और अहमवादी इरादों के दृष्टिकोण से दुनिया की गतिविधियों को देखना, ठीक है। तो यानी ए का हो गया सेकंड, और सैद्धांतिक तार्किकता यानी थ्योरिटिकल रैशनलिटी, ठीक है, सैद्धांतिक तार्किकता का हो जाएगा तार्किक निगमन, आगमन और कार्य कारण के गुणारोपण के रूप में संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं जो होती हैं इसे क्या कहते हैं, सैद्धांतिक तार्किकता, ठीक है। और मौलिक तार्किकता किसे कहेंगे फ्रेंड्स, तो मौलिक तार्किकता हम कहेंगे व्यवस्था मूल्य के संदर्भ में साध्य साधन का चयन, ठीक है, व्यवस्था मूल के संदर्भ में साध्य साधन का चयन हो जाएगा, यानी हमारी हो जाएगी मौलिक तार्किकता, ठीक है। और औपचारिक तार्किकता यानी फॉर्मल रेशनलिटी इसे कहेंगे जो है साधन साध्य संगणन और सार्वभौमिक अनुप्रयुक्त नियम, ठीक है। तो डी का हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नारीवादी यानी फेमिनिस्ट जो है, फेमिनिस्ट ज्ञानवाद ऐसी अवधारणा है जो डैश सिद्धांत पर आधारित है। तो किस पे आधारित है फ्रेंड्स नारीवादी ज्ञानवाद अवधारणा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भावात्मक संबंधों पर बल देते हेतु महिला के अपने अनुभव और स्थान का प्रतिबिंबम, ठीक है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, कि भावात्मक संबंधों पर बल देते हुए महिला के अपने अनुभव और स्थान का प्रतिबिंबन, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रिहा किए गए कैदियों के सफल पुनर्वास के लिए कौन सा प्रासंगिक नहीं है, ठीक है, रिहा किए गए कैदियों के सफल पुनर्वास के लिए कौन सा प्रासंगिक नहीं है। तो फ्रेंड्स कौन सा नहीं है, विधि के अनुसार तुरंत जमानत दी जानी चाहिए, सुनवाई में तेजी लाई जाए, परिवीक्षा की अनुमति दी जानी चाहिए, या जेल में किए जाने वाले कार्यक्रमों को रोक दिया जाना, ठीक है। तो कौन सा प्रासंगिक नहीं है, ऑप्शन डी यानी जेल में किए जाने वाले कार्यक्रम को रोक दिया जाना, ये पुनर्वास के लिए प्रासंगिक नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। संस्कृतिकरण की अवधारणा में प्रभु जाति की अवधारणा को शामिल कर श्रीनिवास जी ने क्या दिया था, ठीक है, तो हमें ये बताना है कि प्रभु जाति की जो अवधारणा दी थी हमें श्रीनिवास जी ने, उसमें उन्होंने क्या शामिल किया था, तो हमें ये बताना है। तो उन्होंने क्या शामिल किया था फ्रेंड्स, संस्कृत के पवित्र तथा धर्मनिरपेक्ष दोनों ही कारकों को सम्मिलित करके सांस्कृतिक शब्द के अर्थ का व्यापक बनाते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी संस्कृत के पवित्र तथा धर्मनिरपेक्ष
दोनों ही कारकों को सम्मिलित करके सांस्कृतिक शब्द के अर्थ को व्यापक बनाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखते हैं, कथन दिया गया है और उसे हमें देखना है, यानी धार्मिक बहुलवाद एक अभिज्ञेय और विनियमित व्यवहार है, ठीक है। यानी धार्मिक जो बहुलवाद है ये एक अभिज्ञेय और विनियमित व्यवहार है, ठीक है। और यह इसका तर्क दिया गया है कि यह विशेष वर्ग के लोगों से संबद्ध है तथा कतिपय चित्रों, प्रतीकों, अनुष्ठानों और मिथकों के माध्यम से व्यक्त होता है। तो फ्रेंड्स, दोनों बातें सही हैं और इसकी व्याख्या भी सही है, ठीक है। यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि किसने यह तर्क दिया है कि भारतीय समाज में परिवर्तन का अध्ययन भी इसकी गहन परंपराओं के अध्ययन द्वारा किया जाना चाहिए। अभी हमने जो जून 2014 का थर्ड पेपर डिस्कशन करवाया था उसमें भी ये आया था, हमने आपको बताया भी था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डीपी मुखर्जी जी का। उन्होंने डाइवर्सिटी नामक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने परंपराओं का अध्ययन किया था, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ दिसंबर 2014 के थर्ड पेपर में फिर से डीपी मुखर्जी जी का क्वेश्चन घुमा के हमसे फिर वही पूछा है। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम तुरंत इसको कर ले जाएंगे, यानी कि भारतीय समाज में परिवर्तन का अध्ययन इसकी गहन परंपराओं के अध्ययन द्वारा किया जाना चाहिए। तो किसका विचार है? डीपी मुखर्जी जी का, ठीक है। तो डीपी मुखर्जी जी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि झुग्गियों में मुख्यतः निवास करते हैं। तो फ्रेंड, जो झुग्गी झोपड़ी होती है उसमें कौन निवास करता है मुख्यतः, तो हमें ये बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, कौन करेगा? यानी असंगठित क्षेत्रों के लोग, ठीक है, असंगठित क्षेत्रों के लोग। और कौन करेगा फ्रेंड्स? सेवा क्षेत्र के लोग। कौन करेगा? सेवा क्षेत्र के लोग निवास करेंगे। तो यानी टू और थ्री हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यानी झुग्गियों में मुख्यतः निवास करेंगे असंगठित क्षेत्रों के लोग एंड सेवा क्षेत्र के लोग, तो टू और थ्री। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में टू और थ्री है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कथन, बांध और खान जैसी बृहद परियोजनाओं का सीमांत लोगों द्वारा विरोध किया जाता है क्योंकि पुनर्वास कार्यक्रमों की योजना यथार्थवादी नहीं होती है, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, पुनर्वास कार्यक्रमों में केवल भूमि का मुआवजा शामिल होता है जो आंशिक है, ठीक है। तो बिल्कुल दोनों बातें सही हैं और इनकी व्याख्या भी सही है, ठीक है। यानी ये दोनों बातें सही हैं और दोनों एक दूसरे से मैच भी हैं, रिलेटेड भी हैं। तो यानी फ्रेंड्स, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, ठीक है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस पुस्तक के प्रकाशन के 50 वर्ष पूरे हुए हैं जिसने भारत में परंपरा और आधुनिकीकरण के अध्ययन में अपने योगदान के कारण इन वर्षों के दौरान एक शास्त्रीय पुस्तक का दर्जा प्राप्त किया, ठीक है। यानी किस पुस्तक के प्रकाशन के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं जिसने भारत में परंपरा और आधुनिकीकरण के अध्ययन में अपने योगदान के कारण इन वर्षों के दौरान एक शास्त्रीय पुस्तक का दर्जा प्राप्त किया। तो फ्रेंड्स, वो कौन सी बुक है? मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, ठीक है। अभी हमने आपको ऊपर बताया भी था कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन ये बुक किसकी है फ्रेंड्स, तो ये जो बुक है ये है योगेंद्र सिंह की। किसकी है? योगेंद्र सिंह की बुक है और ये इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में राष्ट्र निर्माण के पथ में निम्नलिखित में से कौन सी बाधा है, ठीक है। जो भारत में राष्ट्र निर्माण के पथ में निम्नलिखित में से कौन सी बाधा है हमें ये बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है श्रेणीबद्ध सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक असमानताएं, ठीक है। श्रेणीबद्ध सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक असमानताएं, यानी ये दोनों हो जाएंगी, ये दोनों जो है राष्ट्र निर्माण में बाधा है भारत के, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे बुक दी गई है और हमें इसे मैच करना है, ठीक है। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, तो फ्रेंड्स मैडनेस एंड सिविलाइजेशन जो बुक है ये माइकल फूको जी की बुक है। देखिए यहाँ मैचिंग में भी फूको की बुक हमें मिल ही गई, ठीक है। तो मैडनेस एंड सिविलाइजेशन यानी ए का हो गया सेकंड, माइकल फूको। और कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थ्योरी, कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थ्योरी ये जो बुक है फ्रेंड्स, यानी बी का हो जाएगा फोर, यानी एंथोनी गिडिंग्स, ठीक है। एंथोनी गिडिंग्स जी की ये बुक हो जाएगी कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थ्योरी। और राइटिंग एंड डिफरेंस, तो फ्रेंड्स ये जो बुक है राइटिंग एंड डिफरेंस, ये है जैक्स डेरिडा की, ठीक है। यानी सी का हो जाएगा वन।
और स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, ये बुक है लेवी स्ट्रॉस जी की, किसकी, क्लार्क लेवी स्ट्रॉस जी की बुक है स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। तो डी का हो जाएगा थर्ड। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने हुर्सल के घटना विज्ञान के दृष्टिकोण का आलोचनात्मक विनियोग प्रस्तुत किया है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये, कि निम्नलिखित में से कौन है जिसने हुर्सल के घटना विज्ञान, ठीक है, घटना विज्ञान के यानी फेनोमेनोलॉजी के जो है दृष्टिकोण का आलोचनात्मक विनियोग प्रस्तुत किया है। तो फ्रेंड्स किसने किया है, अल्फ्रेड सुट जी ने, किसने किया है, अल्फ्रेड सुट जी ने ये आलोचना की है, ठीक है। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि जनसंख्या सूची स्तंभ पॉपुलेशन पिरामिड मूल रूप से क्या समझाते हैं, ठीक है। यानी जो जनसंख्या सूची स्तंभ है यानी पॉपुलेशन पिरामिड, ये मूल रूप से क्या समझाते हैं, तो ये फ्रेंड समझाते हैं दी गई जनसंख्या की आयु लिंग संरचना को, किसे, जनसंख्या की दी गई आयु लिंग संरचना को, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि किसने धर्म का सामाजिक सत्य, ठीक है, किसने धर्म का सामाजिक सत्य जो है पुस्तक में यह कहा है कि समाज शास्त्रियों को एक प्रविधि परक नास्तिक रवैया अपनाना चाहिए और यह चर्चा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि धर्म सामाजिक रचना से अधिक कुछ है, ठीक है। यानी फ्रेंड्स ये जो परिभाषा है ये किसकी है, ठीक है। तो सबसे पहले द सोशल रियलिटी ऑफ रिलीजन, ठीक है, ये बुक है द सोशल रियलिटी ऑफ रिलीजन, ये बुक किसकी है फ्रेंड्स, ये है पीटर बर्गर की, किसकी है, पीटर बर्गर जी की ये बुक है द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, बुक लिखी थी उन्होंने। यहाँ पे दिया गया है द सोशल रियलिटी ऑफ रिलीजन, ठीक है, धर्म का सामाजिक सत्य। तो उन्होंने इस बुक में ये परिभाषा दी थी कि समाज शास्त्रियों को एक प्रविधि परक, अब हमसे मान लिया ये परिभाषा ही पूछ ले और ऑप्शन में दे दे तो हम किसको लगाएंगे, पीटर बर्गर जी को लगाएंगे। उन्होंने यह डेफिनेशन दी थी कि समाज शास्त्रियों को एक प्रविधि परक नास्तिक रवैया अपनाना चाहिए और यह चर्चा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि धर्म सामाजिक रचना से अधिक कुछ है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको आप लर्न करके रखिएगा, ठीक है। भारत में समाज शास्त्र के अभ्युदय के सामाजिक पृष्ठभूमि का पता लगाएं, ठीक है। तो वो क्या होगा फ्रेंड्स, भारत में सामाजिक विचार की विरासत और ब्रिटिश शासन के आगमन पर भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति, और हो जाएगा चौथा हमारा भारतीय समाज की पश्चिमी समझ के बारे में भारतीय मनीषा की बौद्धिक प्रक्रिया, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, ठीक है। तो ये हो जाएगा भारत में समाज शास्त्र के अभ्युदय की सामाजिक पृष्ठभूमि का जो पता है वो, यानी फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, ठीक है। औद्योगिक क्रांति इसमें नहीं आएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वैज्ञानिक ज्ञान के किस रूप की पहचान हैबरमास ने अपने कार्यों में की है, तो किसमें की है फ्रेंड्स, वैज्ञानिक ज्ञान के किस रूप की पहचान हैबरमास ने अपने कार्यों में की है, तो हमें ये बताना है। तो उन्होंने की है अनुभव परक विश्लेषणात्मक, ठीक है, अनुभव परक विश्लेषणात्मक यानी इम्पीरिकल एनालिटिकल, ठीक है, इम्पीरिकल एनालिटिकल, ठीक है। ये हो जाएगा यानी वन हो जाएगा शब्दार्थ मीमांसा, ठीक है, यानी हर्मेन्यूटिक्स, ठीक है, शब्दार्थ मीमांसा यहाँ हिंदी में दिया गया, इसको इंग्लिश में कहेंगे हर्मेन्यूटिक्स, ठीक है। तो ये भी हैबरमास ने इस पे भी चर्चा की है। और यहाँ पे तीसरा दिया गया है आलोचनात्मक और मुक्तिपरक, ठीक है, यानी क्रिटिकल एंड इमेंसिपेटरी, ठीक है, क्रिटिकल एंड इमेंसी पैटरी, इसको इंग्लिश में जाके देखेंगे तो वहां पर लिखा रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो आलोचनात्मक और मुक्तिपरक हैबरमास ने इस पे भी चर्चा की है, ठीक है। तो यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि भारतीय गांवों ने इस कारण से अपनी आत्मनिर्भरता खो दी है, किस कारण से फ्रेंड्स, भारतीय गांवों ने किस कारण से अपनी आत्मनिर्भरता खो दी है, हमें वो बताना है। तो कैसे खो दी है अपनी आत्मनिर्भरता को, यानी हरित क्रांति का प्रभाव हुआ, जजमानी प्रथा का समाप्त होना ये भी था, शहर के बाहरी हिस्से में रहने वालों से सम व्यवहार,
तो ये भी फ्रेंड्स, तो इसलिए फ्रेंड्स उपयुक्त सभी हो जाएगा, ये सारे कारण है, ठीक है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि जब दंपति कानूनी रूप से अलग अलग घरों में रहने लगे किंतु पुनर्विवाह करने को स्वतंत्र ना हो तो इसे क्या कहा जाता है, ठीक है, तो इसे फ्रेंड्स कहेंगे न्यायिक विच्छेद, ठीक है, न्यायिक विच्छेद कहेंगे, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं, किसने कहा कि ग्रामीण समाज में विभाजन का कारण जरजोरू और जमीन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स, इसके जो ये जो कहा है ये कहा है आस्कल लेविस जी ने, किसने कहा है फ्रेंड्स, आस्कल लेविस, किसने कहा है कि ग्रामीण समाज में श्रम विभाजन का कारण जर जोरू और जमीन है, तो ये कहा है आस्कल लेविस जी ने, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बुक दी गई है फ्रेंड्स कंसीक्वेंसेज ऑफ मॉडर्निटी, अभी हमने जो जून 2014 का थर्ड पेपर डिस्कस करवाया था आपको, उसमें भी मैंने ये बुक आपको बताई थी, दो बार ये बुक आई थी ग्रीटिंग्स की, और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये 2014 के लास्ट यानी दिसंबर एग्जामिनेशन के थर्ड पेपर में भी ये बुक हमसे पूछी गई, तो यानी फ्रेंड्स ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमें आगे फिर मिल सकती है, तो इसको आप लर्न करके रखिएगा। कंसीक्वेंसेज ऑफ मॉडर्निटी पुस्तक के जो लेखक है वो है एंथोनी गिडेंस, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, बहुराष्ट्रीय निगमों और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के विकास के कारण भारत में निम्न में से किस प्रकार के परिवार का उदय हो रहा है, तो फ्रेंड्स किसका उदय हो रहा है, दो नगरीय परिवार, किसका हो रहा है, दो नगरीय परिवार का, ठीक है, तो दो नगरीय परिवार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ट्विन सिटी फैमिली, ठीक है, ट्विन सिटी फैमिली का जो है ये उद्भव हो रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सूची दी गई है और हमें उसे मिलाना है, ठीक है, यानी अवधारणा है और उनके लेखक हैं। जीवन शैली के रूप में शहरवाद, ठीक है, यानी अर्बनिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ, ठीक है, तो इसके कौन से लेखक है, तो फ्रेंड्स ये कहा था, ये कहा था लुइस बिर्थ जी ने, किसने कहा था, लुइस बिर्थ जी ने, यानी ए का हो जाएगा टू, और लोक शहरी सातत्व यानी फोक अर्बन कंटिन्यूम, तो ये जो अवधारणा दी थी ये भी फ्रेंड्स जो है पीजीटी एग्जामिनेशन के जो हुआ था 2016 का जो पीजीटी एग्जामिनेशन था इसमें ये आया था लोक शहरी सातत्व, तो ये अवधारणा दी थी किसने फ्रेंड्स, ये दी थी रेडफील्ड जी ने, किसने, आर रेडफील्ड जी ने ये अवधारणा दी थी, उन्होंने एक बुक भी लिखी थी फ्रेंड्स द लिटिल कम्युनिटी, द लिटिल कम्युनिटी आर रेडफील्ड जी की बहुत ही फेमस बुक है, और उसी बुक में इन्होंने ये अवधारणा दी थी लोक शहरी सातत्व, ठीक है, तो आप इसे कंफर्म लर्न करके रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स दिया गया है लघु यौ बृहद परंपरा, तो लघु यौ बृहद परंपरा यानी लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन, तो ये जो अवधारणा है ये मिल्टन सिंगर जी की है, किसकी है, मिल्टन सिंगर, और गरीबी की संस्कृत यानी कल्चर ऑफ पॉवर्टी, तो ये बहुत ही फेमस अवधारणा है किसकी, आस्कल लेविस जी की, किसकी है, आस्कल लेविस जी की, कल्चर ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, तो आप इसे लर्न करके रखिएगा, तो हमारा जो सही सीक्वेंस होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे कथन दिया गया कि भारतीय शिक्षा नीति, ठीक है, भारतीय शिक्षा नीति को अपने नागरिकों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने की चुनौतियों को पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, एकदम कथन राइट है। अब इसका जो तर्क दिया गया है वो दिया गया है शिक्षा की गुणवत्ता अपने नागरिकों को भूमंडलीकरण की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाएगी, तो बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, यानी कथन भी सही है और उसका कारण भी सही है, दोनों बातें एक दूसरे से रिलेटेड है और पॉजिटिव है, तो हमारा जो जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे फ्रेंड्स सूची दी गई है, दृष्टिकोण है और उनका उद्देश्य है उसे हमें मैच करना है, ठीक है, विकास में महिलाएं, ठीक है, विकास में महिलाएं, तो ये क्या हो जाएगा, ए का सेकंड यानी वुमेन इन डेवलपमेंट, ठीक है, तो इसका हो जाएगा सेकंड यानी विकास कार्यक्रमों की पुनर्संरचना, ठीक है, तो विकास कार्यक्रमों की पुनर्संरचना यानी विकास में महिलाएं, और महिला और विकास इसका हो जाएगा फोर्थ यानी वैकल्पिक विकास, यानी महिला और विकास वुमेन एंड डेवलपमेंट इसका हो जाएगा वैकल्पिक विकास यानी अल्टरनेटिव डेवलपमेंट, ठीक है, अल्टरनेटिव डेवलपमेंट इसका राइट हो जाएगा, और लिंग और विकास
यानी जेंडर एंड डेवलपमेंट, इसका हो जाएगा सी का वन यानी महिला मुक्ति, ठीक है महिला मुक्ति। और डी पे है महिला पर्यावरण और विकास, वुमेन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, तो इसका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा सतत विकास, ठीक है यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि समाजशास्त्र के अंतर्गत उस सैद्धांतिक और विशेषीकृत दृष्टिकोण की शुरुआत किसने की जो यथार्थ बोध के निर्माण में लागू सामाजिक सक्षमता और प्रणालियों को स्पष्ट करता है, ठीक है। तो कौन करता है फ्रेंड्स, समाजशास्त्र के अंतर्गत उस सैद्धांतिक और विशेषीकृत, ठीक है, तो इसका जो यथार्थ बोध के निर्माण, ठीक है, यथार्थ बोध के निर्माण में लागू सामाजिक सक्षमता और प्रणालियों को स्पष्ट करता है, तो ये कौन करेगा फ्रेंड्स, ये करेंगे हेरोल्ड गॉरफिंकल, ठीक है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सन्स ऑफ द साइल, ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है सन्स ऑफ द साइल शब्द को किसने प्रतिपादित किया था, ठीक है। यहाँ पे सन्स ऑफ द साइल, कभी कभी ये सन्स ऑफ द साइल बुक दे देते हैं कि किसने लिखी है, तो सन्स ऑफ द साइल शब्द को किसने प्रतिपादित किया है, तो ये किया था फ्रेंड्स मायरोन बैनर्जी ने, किसने किया था मायरोन बैनर, तो आप इसको लर्न करके रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा और ये आगे अपने आने वाले एग्जामिनेशन में हमें कहीं ना कहीं मिल सकता है, ठीक है। तो मायरोन बैनर इसके राइट आंसर होंगे, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सन्स ऑफ द साइल। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हमारे देश में 1976 में प्रथम बार भारतीय जनसंख्या नीति किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई थी, जो 1976 में प्रथम बार भारतीय जनसंख्या नीति बनाई गई थी तो वो किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई थी ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई थी, तो ये की गई थी डॉक्टर कर्ण सिंह की अध्यक्षता में, किसके डॉक्टर कर्ण सिंह की अध्यक्षता में भारतीय जनसंख्या नीति 1976 में पहली बार जो है ये तैयार की गई थी, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं, हाँ तो क्वेश्चन नंबर 35 को देखेंगे हम फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है हैबरमास की सैद्धांतिक सोच के किस पक्ष की सर्वाधिक आलोचना हुई है, ठीक है, यानी हैबरमास के सिद्धांत जो सैद्धांतिक सोच की किस पक्ष की सर्वाधिक आलोचना हुई, ठीक है, तो हमें ये बताना है, तो किस पे हुई थी फ्रेंड्स, ये हुई थी व्यवस्थाओं के सिद्धांत पर, सामाजिक विकास के विकासात्मक मॉडल पर और सैद्धांतिकरण की उनकी अधिक अमूर्त प्रकृति पर, ठीक है, तो यानी ये हो जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पर हुई थी, यहाँ पे हमें कूट में दे दिया गया है, अगर सिर्फ होता उपयुक्त सभी पर तो ये फोर्थ नंबर हो जाता है, यानी उपयुक्त सभी पर, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो यहाँ पे हमें लगाना है फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये तीनों पर ही इनकी आलोचना हुई थी हैबरमास जी की, ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको आप लर्न करके रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि भारत में घटते स्त्री लिंग अनुपात का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है, ठीक है, भारत में घटते स्त्री लिंग अनुपात का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है। फ्रेंड्स हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे, कुछ हमारे फ्रेंड्स जो जीडीसी का एग्जाम देने वाले हैं तो उनका 3 नवंबर को एग्जामिनेशन है, तो उनका ये मानना था कि मैम जो है आप जल्दी जल्दी जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वो अपलोड कर दीजिए, ताकि और दिसंबर में तो एएनएट का एग्जामिनेशन है लेकिन जीडीसी का 3 नवंबर को ही है, तो उन लोगों का कहना है कि जितना ही जल्दी ये प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा एक प्रकार से पूरा रिवाइज हो जाएगा, तो हमें वहां पे क्वेश्चन करने में हो सकता है बहुत ही हेल्प मिल जाए, ठीक है, तो इसलिए जो है हमारा ये प्रयास है कि हम जल्दी से प्रीवियस ईयर अपना इसको फिनिश कर दें, ताकि आप लोगों को कम से कम 2 बार रिवाइज करने का मौका मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम देखेंगे कि भारत में घटते स्त्री लिंग अनुपात का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है, तो कौन सा कारण नहीं है फ्रेंड्स, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में महिला कामगारों का पलायन, ये नहीं है, ठीक है, बाकी तीनों हैं, यानी ऑप्शन ए भी है, बी है और डी है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन सी कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में महिला कामगारों का पलायन, ये भारत में घटते स्त्री लिंग अनुपात का कोई कारण नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखेंगे, निम्न में से कौन सा युग्म पूर्वोत्तर क्षेत्र में नस्ली संघर्षों में योगदान देता है, ठीक है, निम्न में से कौन सा वो युग्म है जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में, हाँ तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऑप्शन ए है
कि एकीकरण के साथ असंख्य आदिवासी समूह, पड़ोसी देशों से आप्रवास और विकास की कमी तथा असुरक्षा की भावना और साक्षरता तथा अज्ञान। ठीक है, तो कौन सा युग्म पूर्वोत्तर क्षेत्र में नस्ली संघर्षों में योगदान देता है? तो वो देता है फ्रेंड्स पड़ोसी देशों से आप्रवास, ठीक है, और विकास की कमी तथा असुरक्षा की भावना। ठीक है, तो यानी बी और सी ये दोनों हो जाएगा, यानी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेव सेव प्लेनेट अर्थ का नारा कहाँ से आया? ठीक है, तो ये फ्रेंड्स जो आया था, ये आया था स्लोगन जो था कि सेव प्लेनेट अर्थ जो है, तो ये जो आया था नारा, ये आया था रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन से। ठीक है, रियो अर्थ समिट से। ठीक है, तो ए जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन। ठीक है, आकलन करके रखिएगा, ये फर्स्ट पेपर में भी हमें मिल सकता है। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे बुक है और उनके राइटर हैं, तो ये बताना है कि किसने कौन सी बुक जो है ये लिखी है। तो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी ये जो बुक लिखी है फ्रेंड्स, ये लिखी है एन के बोस जी ने। ठीक है, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी बुक के जो राइटर हैं वो हैं एन के बोस, यानी ए का थर्ड। होमो हायरार्कस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड फेमस बुक है, होमो हायरार्कस, ये बुक लिखी है लुई ड्यूमोंट ने। किसने लिखी है फ्रेंड्स? लुईस ड्यूमोंट। ठीक है, और एनहिलेशन ऑफ कास्ट जो बुक है फ्रेंड्स, ये है बी आर अम्बेडकर जी की। ठीक है, तो सी का हो जाएगा 5। और डाइवर्सिटीज जो मैं बार बार आपको बीच बीच में बताती रहती हूँ कि डाइवर्सिटीज जो ये बुक लिखी थी, ये लिखी थी डीपी मुखर्जी जी ने। ठीक है, तो डी का हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एंथोनी गिडिंग्स के स्ट्रक्चरेशन सिद्धांत में प्राथमिकता किसको दी गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एंथोनी गिडिंग्स के स्ट्रक्चरेशन सिद्धांत में प्राथमिकता किसको दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जैसे कभी कभी कर देते हैं कि हमें लगेगा कि संरचना एजेंसी दोनों की बात करते हैं वो, और तो हम क्या लगा देंगे, संरचना और एजेंसी दोनों। लेकिन अगर प्राथमिकता किसको दी गई है, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा, आयोग ने जो माना है, यानी दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, न संरचना न एजेंसी, किसी को भी प्राथमिकता नहीं दी गई है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसे लर्न करके रख लीजिएगा, आगे हमें ये क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार कामगार का अलगाव उसके किस कारण बस है? ठीक है, तो हमें बताना है फ्रेंड्स कि कार्ल मार्क्स के अनुसार जो कामगार का अलगाव था वो किस कारण से था? तो वो था फ्रेंड्स उत्पाद और उत्पादन क्रियाकलाप से अलगाववाद के कारण। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी उत्पादन और उत्पादन के क्रियाकलाप से। ठीक है, तो आप लर्न करके रखिएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कथन दिया गया है कि आधुनिक भारत में अंतर पीढ़ी संघर्ष के कारण वृद्ध लोग वृद्धाश्रमों में रहने लगे हैं। तो बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, और इसका कारण दिया गया है कि युवाओं और वृद्धों के बीच असमान मानसिकता रवैया जो है मूल्य अंतर पीढ़ी संघर्ष के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो फ्रेंड्स कथन भी सही है और इसका कारण भी सही है, दोनों बातें एक दूसरे से रिलेटेड है और पॉजिटिव भी है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, आर ए की सही व्याख्या है, तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ सूची है, हमें उसे मैच करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स दिया गया है हैंडरसन हेजल। ठीक है, यहाँ पे दो लोग हैं, हैंडरसन हेजल, तो इन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है? इन्होंने दिया है, ये बुक लिखी है इन्होंने, बियॉन्ड ग्लोबलाइजेशन शेपिंग अ सस्टेनेबल ग्लोबल इकोनॉमी। ठीक है, तो ये किसने लिखा है बुक फ्रेंड्स? ये लिखा है हैंडरसन हेजल जी ने। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वाटर्स मेलकम, तो इन्होंने कौन सा बुक दिया है? इन्होंने दिया है वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन जो बुक लिखी है ये लिखी है वाटर्स मेलकम जी ने। सी पे है सतीश देश पांडे, तो सतीश देश पांडे जी ने कौन सी बुक लिखी है? तो इन्होंने लिखी है फ्रेंड्स कंटेम्प्रेरी इंडिया अ सोशियोलॉजिकल व्यू। ठीक है, सतीश देश पांडे जी ने जो बुक लिखी है कंटेम्प्रेरी इंडिया अ सोशियोलॉजिकल व्यू। ठीक है, तो सी का हो जाएगा सेकंड, और ए आर देसाई सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ठीक है, ये बुक कई बार अभी 2012-13 में भी मैंने आपको बताया था,
कि सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये AR देसाई जी की बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे कथन दिया गया है कि लैंगिक सामाजिक जगत के संगठनात्मक सिद्धांतों में से एक है, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, लैंगिक इसलिए मायने रखता है क्योंकि वह व्यक्तियों की अस्मिताओं तथा व्यवहार परक स्वभाव को स्थापित करता है। यानी फ्रेंड्स कथन और कारण दोनों सही है और इनकी व्याख्या भी सही है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किसने आधुनिकता को एक अपूर्ण परियोजना समझा? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हैबरमास जी का। इन्होंने आधुनिकता को एक अधूरी परियोजना कभी कभी लिख के आ जाता है या अपूर्ण परियोजना यहाँ पे आया है। ये 2018 में भी सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था, ठीक है। तो आप इसको लर्न करके रखिएगा कि आधुनिकता को एक अधूरी परियोजना या अपूर्ण परियोजना किसने समझा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हैबरमास, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे सूची दी गई है और हमें उसे मैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है अल्पसंख्यक समूह और उनकी प्रायस्थिति, ठीक है। तो यानी सिख क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये एक गतिशील अल्पसंख्यक है, ठीक है। जो सिख हैं वो एक गतिशील अल्पसंख्यक हैं, ठीक है। जैन हो जाएंगे हस्तक्षेप ना करने वाले अल्पसंख्यक, ठीक है। हस्तक्षेप ना करने वाले अल्पसंख्यक यानी बी का हो जाएगा 4, और सी यानी यहूदी यानी सी का हो जाएगा 2, एक लुप्त हो रहे अल्पसंख्यक। जो यहूदी हैं ये एक लुप्त हो रहे अल्पसंख्यक इनकी परिस्थिति है, ठीक है। और आंग्ल भारतीय डी का हो जाएगा 1, एक असहज अल्पसंख्यक, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसने नेचुरल एंड पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस ऑफ द विल्स ऑफ मॉर्टेलिटी लिखी है, ठीक है। ये बुक है नेचुरल एंड पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस ऑन द विल्स ऑफ मॉर्टेलिटी, ठीक है। तो ये बुक किसने लिखी है फ्रेंड्स, ये लिखी है जॉन ग्रांट जी ने। किसने लिखी है फ्रेंड्स, जॉन ग्रांट। तो आप इसको लर्न करके रखिएगा, जॉन ग्रांट जी ने ये बुक लिखी है, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कथन दिया गया है कि बढ़ते सामाजिक बिखराव से औद्योगिक समाजों में आत्महत्या की संख्या में बढ़ोतरी होती है, ठीक है। तो फ्रेंड बिल्कुल सही बात है, व्यक्तियों पर नैतिक और सामाजिक मूल्यों के कमजोर प्रभाव के कारण अधिकाधिक संख्या में आत्महत्याएं होती हैं। तो कथन भी सही है, उसका कारण भी सही है और उसकी सही व्याख्या भी है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ठीक है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 49 को हम डिस्कस करेंगे। तीव्र गति से होने वाले औद्योगिकीकरण ने निम्न में से किसमें सफेद पोश अपराधों की दर को बढ़ा दिया है, ठीक है। यानी सफेद पोश अपराधों की दर को बढ़ा दिया है, यानी व्हाइट कॉलर क्राइम्स को किसने बढ़ाया है, तो हमें ये बताना है। तो फ्रेंड्स किसने बढ़ाया है इसको, बिजनेसमैन, ठीक है। हमारा जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए। फ्रेंड्स सफेद पोश अपराध की चर्चा किसने की थी, सदरलैंड जी ने। किसने की थी, सदरलैंड। तो आप ये भी लर्न करके रखिएगा, तो इसको किसने बढ़ाया था, त्रिवगत से ये बढ़ाए थे, बिजनेसमैन लोग इसमें आते हैं, ना कि खेतिहर मजदूर, स्कूल टीचर, कार्यालय क्लर्क इसमें नहीं आते, इसमें कौन आते हैं, बिजनेसमैन, ठीक है। तो इसको आप लर्न करके रखिएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा दाब कारक ग्रामीण से नगरीय प्रवास में योगदान देता है, ठीक है। तो वो कौन सा कारक है जो ग्रामीण से नगरीय की तरफ योगदान देता है, तो ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स कौन है, ग्रामीण निर्धनता, इसमें क्या आ जाएगा, ग्रामीण निर्धनता। उसके बाद में क्या आएगा, मानसूनी वर्षा का ना होना, ठीक है, मानसूनी वर्षा का ना होना। तो इसलिए जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट और थर्ड, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोनों चीजें जिम्मेदार हैं, ग्रामीण निर्धनता भी है जिसके कारण लोग जो है गांव से नगर की ओर प्रवास कर रहे हैं, और जो वर्षा नहीं होती तो हमारा जो उनका जो खेती है वो सब चीजें नुकसान हो जाती हैं, फसल वगैरह। तो इससे भी क्या करते हैं वो लोग गांव से नगर की ओर प्रवास करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वह कार्यक्रम जो भारतीय समुदाय में संपूर्ण विकास करने का लक्ष्य रखता है, ठीक है, संपूर्ण विकास करने का लक्ष्य रखता है, उसका क्या नाम है। तो उसका फ्रेंड्स जो नाम है वो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ठीक है, सामुदायिक विकास
कार्यक्रम, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो ऑप्शन डी का राइट आंसर होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि किसने सभ्यतागत परिप्रेक्ष्य में भारतीय समाज का अध्ययन किया है, ठीक है, किसने सभ्यतागत परिप्रेक्ष्य में जो है भारतीय समाज का अध्ययन किया है, ठीक है, यानी सिविलाइजेशनल पर्सपेक्टिव में किसने अध्ययन किया है, तो ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किया है एनके बोस जी ने और सुरजीत सिन्हा जी ने, ठीक है, एनके बोस और सुरजीत सिन्हा जी इसमें आ जाएंगे, तो बी और डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जीएस घुरिये भी ऑप्शन में है, तो जीएस घुरिये किस परिप्रेक्ष्य से हैं, ये हैं जो है भारतीय विद्या अध्ययन परिप्रेक्ष्य से, यानी इंडोलॉजिकल प्रोस्पेक्ट से आते हैं जीएस घुरिये, और बी आर अम्बेडकर तो ये हैं फ्रेंड्स दलितवादी परिप्रेक्ष्य से, बी आर अम्बेडकर किस परिप्रेक्ष्य से आते हैं, दलितवादी परिप्रेक्ष्य से, ठीक है, तो ये आप अपना क्लियर कर लीजिएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए अपना अगले क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा भारत में बढ़े हुए जीवन काल के लिए उत्तरदायी नहीं है, ठीक है, कौन सा भारत में बढ़े हुए जीवन काल के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो कौन नहीं है फ्रेंड्स, गिरती हुई जन्मदर, गिरती हुई जो जन्मदर है ये बढ़े हुए जीवन काल के लिए उत्तरदायी नहीं है, उत्तरदायी क्या होगा, बढ़ती हुई जन्मदर हो जाएगा, ना कि गिरती हुई जन्मदर, ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से कौन सी वह प्रमुख विशेषता है जिसके आधार पर नई पंचायती राज व्यवस्था को शुरू किया गया था, तो किसके लिए शुरू किया गया था फ्रेंड्स, महिलाओं की भागीदारी और अनुसूचित जातियों व जनजातियों की भागीदारी, तो इसमें ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, किसने कहा है कि भारत में समाजशास्त्र भारतीय विद्या और समाजशास्त्र के संगम पर खड़ा है और भारतीय समाज की समझ के लिए आवश्यक पूर्व शर्त सही प्रकार के मिश्रण के रूप में है, फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डेफिनेशन है, और ये किसने कहा है, ये कहा है ल्यूस ड्यूमांट जी ने, किसने कहा है, ल्यूस ड्यूमांट जी ने कहा है ये, और ये हायर एजुकेशन एंड पीजीटी में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, तो आप इसको लर्न करके रखिएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्न में से कौन सा अभिकथन औद्योगिक संगठनों की सामाजिक संरचना के प्रतिबिंब का सूचक नहीं है, ठीक है, तो कौन सा नहीं है फ्रेंड्स, निदेशक बोर्ड में महिलाओं का प्रभुत्व, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि निदेशक बोर्ड में महिलाओं का प्रभुत्व ये औद्योगिक संगठनों की सामाजिक संरचना का सूचक नहीं है, ठीक है, बाकी तीनों हैं। निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है कि निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है, तो कौन सा सही है हमें ये बताना है, सभी परिवर्तन विकास हैं, पूर्व के समाजशास्त्री विकास योग परिवर्तन को अंतः परिवर्तनीय तार्किक रूप से संबंधित पदों के रूप में देखते थे, आधुनिकीकरण सिद्धांतवादियों के अनुसार विकास का अंतिम परिणाम समृद्ध तथा राजनैतिक स्थिरता है, और विकास का अर्थ आधुनिक समय में सामाजिक परिवर्तन की अनियोजित प्रक्रिया है, तो हमें ये बताना है, तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी सेकंड और थर्ड, कि पूर्व के समाजशास्त्री विकास एवं परिवर्तन की अंतः परिवर्तनीय तार्किक रूप से संबंधित पदों के रूप में देखते थे, और तीसरा हो जाएगा कि आधुनिकीकरण सिद्धांतवादियों के अनुसार विकास का अंतिम परिणाम समृद्ध तथा राजनैतिक स्थिरता है, ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न दिए गए समाजशास्त्रियों में से किसने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अध्ययन किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रेंड्स किसने जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य के अकॉर्डिंग किया है, तो वो कौन है, वो है ए आर देसाई जी, कौन है फ्रेंड्स, ए आर देसाई, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसका विचार है कि भारतीय समाज का वैज्ञानिक अनुभव परक अध्ययन संभव नहीं है, फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन कई बार हायर एजुकेशन पीजीटी एंड नेट में आ चुका है, ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा कि कौन सा विचार, किसका ये विचार है कि भारतीय समाज का वैज्ञानिक अनुभव परक अध्ययन संभव नहीं है, ये कौन कहता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए लिखा गया है ए के सेरम, लेकिन ये ए के सरन जी ने, किसने, ए के सरन जी का ये विचार है कि भारतीय समाज का वैज्ञानिक अनुभव
परख अध्ययन संभव नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कथन दिया गया है कि भारत की तकनीकी मानव शक्ति में पिछले दशक में बेरोजगारी बढ़ी है, ठीक है। भारत में तकनीकी मानव शक्ति में पिछले दशक से बेरोजगारी बढ़ी है, तो फ्रेंड बिल्कुल सही बात है, बढ़ी है। और भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति जो है वो रोजगार से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो ए और आर दोनों सही है और तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो हमारा जो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, ठीक है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जैक्स डेरिडा ने भाषा को निम्न में से किस तक घटाया है, ठीक है। तो जैक्स डेरिडा ने भाषा को निम्न में से किस तक घटाया है ये हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स कि ऐसे लेखन तक जो अपने विषयों को बाध्य नहीं करता, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कि ऐसे लेखन तक जो अपने विषयों को बाध्य नहीं करता। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसने मार्क्स के पूर्ववर्ती दार्शनिक कार्य और उनके परवर्ती वैज्ञानिक अवधारणाओं में ज्ञान मीमांसीय, ठीक है, ज्ञान मीमांसीय अंतराल का पता लगाया है, ठीक है। तो ये कौन है ये हमें बताना है कि कौन था फ्रेंड्स। तो ये थे अल्थूजर जी, किसने, अल्थूजर जी ने ये पता लगाया था, ठीक है, कि मार्क्स के पूर्ववर्ती दार्शनिक कार्य और उनके परवर्ती दार्शनिक कार्य, ठीक है। तो ये किसने किया था फ्रेंड्स, ये किया था अल्थूजर जी ने। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। यानी युवा मार्क्स और परिपक्व मार्क्स की चर्चा कौन करता है, ये करते हैं अल्थूजर जी, ठीक है। तो वही क्वेश्चन हमसे घुमा के पूछा गया है कि ज्ञान मीमांसीय अंतराल का पता किसने लगाया था, तो ये लगाए थे अल्थूजर, ठीक है, लुईस अल्थूजर। क्वेश्चन नंबर 58, स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये किसने लिखी थी फ्रेंड्स, हेराल्ड गॉरफिंकल जी ने, किसने, हेराल्ड गॉरफिंकल। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे पुस्तकें हैं और उनके राइटर हैं। देखिए ये जो है नारीवाद यानी जेंडर से संबंधित पुस्तक है, फेमिनिज्म से, तो हमें ये बताना है कि किसने कौन सी बुक लिखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार एग्जामिनेशन में फेमिनिज्म से रिलेटेड जो है बुकें वगैरह और कॉन्सेप्ट उनके आते ही आते हैं, ठीक है। तो सिमोन दी बोवा, ठीक है, सिमोन दी बोवा की जो बुक है वो कौन सी है, द सेकेंड सेक्स, ठीक है, बहुत ही फेमस बुक है। द सेकेंड सेक्स जो बुक है ये सिमोन दी बोवा की है, ठीक है। तो ए का हो जाएगा सेकेंड। और अन्ना ओखले, जो एन ओखले लिखा है यानी अन्ना ओखले कहीं कहीं लिखा रहता है, तो इनकी जो बुक है सेक्स जेंडर एंड सोसाइटी, ठीक है, बहुत ही फेमस बुक है अन्ना ओखले जी की। और सुलामित फायर स्टोन, तो सी का हो जाएगा फोर। सुलामित फायर स्टोन जी ने जो बुक लिखा था द डायलेक्टिव ऑफ सेक्स द केस ऑफ फेमिनिस्ट रेवोल्यूशन, ठीक है, ये सुलामित फायर स्टोन जी ने ये बुक लिखी थी। और जूथिथ बटलर जी ने कौन सी बुक लिखी थी फ्रेंड्स, ये लिखी थी जेंडर ट्रबल फेमिनिज्म एंड द सबवर्सन ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। तो डी का हो जाएगा थर्ड। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि बॉस्टल स्कूल तथा रिमांड होम किसके सुधार के लिए होते हैं फ्रेंड्स। ये भी क्वेश्चन हमारा अभी 2016 के पीजीटी एग्जामिनेशन में आया था फ्रेंड्स। अगर हमारा प्रीवियस ईयर पेपर तैयार रहता है तो हम जैसे पीजीटी का एग्जाम देते हैं, जीडीसी का एग्जाम देते हैं या नेट देते हैं, हायर एजुकेशन देते हैं, तो कुल मिला के हमें क्वेश्चन रिपीट मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन आया था कि बॉस्टल स्कूल किसके लिए जाना जाता है, तो वहां पे आया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा किशोर अपराधी, किसके लिए, किशोर अपराधी के लिए बॉस्टल स्कूल जो है ये उनके सुधार के लिए होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि किसने वैश्वीकरण को विश्वव्यापी सामाजिक संबंधों के गहनीकरण के रूप में वर्णित किया है, जिसके द्वारा दूरस्थ स्थानों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि एक स्थान पर होने वाली घटनाएं कई मील दूर हो रही प्रक्रिया से प्रभावित होती हैं और इसके विपरीत भी। तो ये फ्रेंड्स किसने कहा है, ये कहा है एंथोनी गिडिंग्स जी ने, किसने, एंथोनी गिडिंग्स जी ने ये विचार अपना रखा था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
जैक्स दरिदा ने मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित किया है? तो किस पे किया है फ्रेंड्स जैक्स दरिदा ने? लोगो सेंट्रिज्म का विखंडन, ठीक है, लोगो सेंट्रिज्म का विखंडन किया था, ठीक है, जैक्स दरिदा ने। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने पितृसत्ता को पुरुषों के बीच सामाजिक संबंधों के ऐसे समुच्चय के रूप में परिभाषित किया है जिसका भौतिक आधार होता है और जो श्रेणीबद्ध होते हुए भी पुरुषों के बीच में ऐसी परस्पर निर्भरता या एकता पैदा करते हैं या स्थापित करते हैं जो उन्हें महिलाओं पर प्रभुत्व जमाने में मदद करता है? तो ये फ्रेंड्स किसका विचार है? ये किसने कहा था? हेडी हार्टमैन जी ने। किसने? हेडी हार्टमैन जी ने ये विचार प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि विशेष रूप से 1970 के दशक में, ठीक है, विशेष रूप से 1970 के दशक में प्रचलित किसके कार्य से आपको मार्क्सवाद का संरचनावादी रूप मिलता है? तो संरचनात्मक मार्क्सवादी किसे जाना जाता है फ्रेंड्स? कभी कभी यही लिख के आ जाता है कि संरचनात्मक मार्क्सवादी कौन है। तो संरचनात्मक मार्क्सवादी किसे कहते हैं? लुई अल्थूजर जी को। किसे कहते हैं? लुई अल्थूजर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, यानी प्रचलित किसके कार्य से आपको मार्क्सवाद का संरचनावादी रूप मिलता है? तो लुईस अल्थूजर। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि यहाँ पे पूछा गया है कि समावेश, तो समावेश किसे कहते हैं फ्रेंड्स? ये कहते हैं ए का हो जाएगा थर्ड, ठीक है, वह प्रक्रिया जिसमें अल्पसंख्यक मेजबान संस्कृत में ही आत्मसात हो जाता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? समावेश, ठीक है, ए का हो जाएगा थर्ड। और बी बहुलवाद, बी का हो जाएगा वन, यानी राज्य अथवा सामाजिक संगठन के भीतर ऐसी स्थिति जिसमें सत्ता अनेक समूहों एवं संगठनों के बीच बटी होती है, ठीक है, तो ये हो जाएगा बी का वन, ठीक है, बी का वन हो जाएगा। और सी, सी का हो जाएगा सेकंड, यानी संस्कृति ग्राह्यतावाद, ठीक है, संस्कृति ग्राह्यतावाद यानी सी का हो जाएगा सेकंड, अनेक संस्कृतियों के बीच में संपर्क की प्रक्रिया तथा ऐसे संपर्कों का परिणाम भी, ठीक है। और बहुसंस्कृतिवाद, बहुसंस्कृतिवाद किसे कहेंगे फ्रेंड्स? यानी डी का आईवी, यानी सांस्कृतिक वैविध्य की स्वीकारता तथा संवर्धन, ठीक है, सांस्कृतिक वैविध्य की स्वीकारता तथा संवर्धन, तो डी का हो जाएगा फोर। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि ब्राउन क्रिमिनल की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? फ्रेंड्स अभी ये क्वेश्चन आया था जून में, जून 2014 के थर्ड पेपर में भी मैंने ये बताया था कि ब्राउन क्रिमिनल की जो अवधारणा दी थी, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, देखिए 2014 के दिसंबर के भी थर्ड पेपर में। ब्राउन क्रिमिनल्स की अवधारणा किसने की थी? यानी जन्मजात अपराधी, ठीक है, तो जन्मजात अपराधी की जो अवधारणा दी थी ये दी थी लॉम्ब्रोसो जी ने। किसने? लॉम्ब्रोसो जी ने ये अवधारणा दी थी और इन्होंने ब्राउन क्रिमिनल्स इसको इंग्लिश में कहते हैं, तो आप इसको लर्न करके रखिएगा। कृषि में सामान्ती उत्पादन प्रणाली के दौरान किस प्रकार के कृषि संबद्ध थे? ठीक है, कृषि में सामान्ती उत्पादन प्रणाली के दौरान किस प्रकार के कृषि संबद्ध थे? तो कौन से कृषि संबंध थे फ्रेंड्स? ये थे संरक्षक ग्राहक, जो है संरक्षक ग्राहक संबंध, ठीक है, संरक्षक ग्राहक संबंध इसमें ये संबद्ध थे, ठीक है। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ऐतिहासिक समाज विकास के विभिन्न चरणों के गवाह रहे हैं, विभिन्न लेखकों ने अपनी रचनाओं के विकास के चरणों के अपने वर्गीकरण दिए हैं, उनके नाम सूची में दिए गए हैं और विकास के चरण दिए गए हैं, सूची वन को सूची सेकंड से सुमेलित करें और नीचे दिए गए फूटों से सही उत्तर का चयन करें, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आइए हम देखते हैं, तो कॉन्ट जी ने क्या दिया था? कॉन्ट जी ने दिया था ए का थर्ड, ठीक है, ए का थर्ड, यानी धर्मशास्त्री, पराभौतिक और प्रत्यक्ष, ठीक है, यानी इसको इंग्लिश में कहेंगे थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड पॉजिटिविज्म, ठीक है, तो ए का हो जाएगा थर्ड और बी, बी का हो जाएगा फोर, ठीक है। एडम स्मिथ जी ने क्या दिया था? यानी शिकारी, देहाती, कृषि तथा निर्माण, ठीक है, तो बी का हो जाएगा फोर। और सी का हो जाएगा वन, यानी मॉर्गन जी ने क्या दिया था? निशंसता,
बर्बरता और सभ्यता, ठीक है, निसंसता, बर्बरता और सभ्यता, यानी सी का हो जाएगा वन। और कार्ल मार्क्स जी ने क्या दिया था फ्रेंड्स, सबसे पहले सामंतवाद, पूंजीवाद, समाजवाद और साम्यवाद, ठीक है, तो डी का हो जाएगा टू। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घटक क्षेत्रीय असमानताओं के लिए उत्तरदायी है, वह कौन सा ऐसा घटक है जो क्षेत्रीय असमानताओं के लिए उत्तरदायी है, तो फ्रेंड्स वो क्या है, वो है आर्थिक विकास, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये जो है ये क्षेत्रीय असमानता के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है, तो करेक्ट जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन डी। चलिए अपने अगले लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्न में से कौन सा युग्म भारत में ट्रेड यूनियन के कमजोर होने के लिए उत्तरदायी है, ठीक है, भारत में ट्रेड यूनियन के कमजोर होने के लिए कौन उत्तरदायी है हमें ये बताना है, ठीक है, तो वैश्वीकरण तथा संगठनात्मक नेटवर्क, बढ़ा हुआ औद्योगिक लोकतंत्र तथा घटती हुई वर्ग चेतना, बढ़ा हुआ भागीदार प्रबंधन तथा सामूहिक मोल तोल, और बढ़े हुए कल्याण प्रावधान तथा श्रमिक कानून। तो फ्रेंड्स जो ट्रेड यूनियन के कमजोर होने के लिए जो महत्वपूर्ण कड़ी है वो है बढ़ा हुआ औद्योगिक लोकतंत्र तथा घटती हुई वर्ग चेतना, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें और हमारे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।